बनारस में मोनी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी बहन रोहिणी फॉरेन में रहती थी। एक दिन, जान सुनो ना, रोहिणी लंदन से आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ बुला लूँ। कौन रोहिणी? अरे मेरी बहन जो फॉरेन में रहती है। अच्छा, तो ये कहो ना कि मेरी फॉरेनर साली साहिबा आ रही है, बुला लो, बहुत मजा आएगा। मतलब? अरे साली साहिबा को हम अपना शहर घुमाएंगे तो मजा तो आएगा ना। हाँ सही कहा। वही अगले दिन डोर पर फॉरेनर रोहिणी छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी होती है। क्या कोई है इस घर में? ये कौन फिरंगी लड़की आ गई हमरे घर में? हेलो मम्मी जी, आई एम रोहिणी, आपकी बहू की बहन। आम रोहिणी बिटिया, तुम तो हमें लड़की दिख रही हो, और अभी तो आम का सीजन भी नहीं आया है। रोहिणी तो आ गई। आई मिस्ड यू सो मच। बहुरिया तू गायब हो गई थी, हमको पता भी नहीं कब गायब हुई थी। अरे मम्मी जी, रोहिणी कह रही है कि उसने मुझे बहुत याद किया, मैं गायब नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, अब अपनी बहनिया को अंदरवा भी बुलाएगी या दरवाजे पर ही आओ भगत करेगी? फिर मोनी रोहिणी को घर में लाकर उसकी खूब खातिरदारी करती है। वही लोकेश रोहिणी को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वाह मेरी साली, क्या आइटम है, काश मोनी की जगह यह मेरी बीवी होती। तभी रोहिणी लोकेश के पास आती है। हेलो जीजू, ऐसे ही न मुझे तुम देखो आईना बना लूंगी, मैं तुमको सीने से लगा लूंगी। क्या? अरे दीदी, अब क्या मैं जीजू से फ्लर्ट भी नहीं कर सकती? हमारा हक बनता है। और नहीं तो का, रोहिणी सच ही तो कह रही है। अच्छा अच्छा, करो भाई, जितना मस्ती करना है कर लो। फिर रोहिणी वहाँ से चली जाती है। वहीं लोकेश सोच में पड़ जाता है कि रोहिणी को कैसे पता। अगली सुबह, बीरी जलाई ले जिगर से पिया, जिकर मा परियाग है, धुना ना धुना ना धुना ना धुना, धुआना निकाली ओ लब से पिया, ये दुनिया परी खाक है। तुम ये क्या कर रही हो, बाहर तक धुआं आ रहा है। जीजू इट्स ट्रेंड, हमारे लंदन में तो ये कॉमन है, आप भी ट्राई करो ना। नहीं नहीं, तुम्हारी बहन को पता लगेगा तो वो बहुत कूटेगी मुझे। ओह चिल, आई एम देयर ना। फिर दोनों बैठकर बीड़ी पीते हैं। अगले दिन, दीदी आई एम गोइंग टू शॉपिंग, आपको कुछ चाहिए क्या? ये क्या पहना है बहन, पूरा शरीर दिख रहा है। ओह, ये तो फैशन है, आजकल के इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो मैं तो उनसे ही इन्फ्लुएंस्ड हुई हूँ। वही लोकेश जब रोहिणी को उन कपड़ों में देखता है तो उसकी तो लार ही टपकने लगती है। जीजू मुंह बंद कर लो, वरना लार टपकती रहेगी। शॉपिंग जा रही हो? चलो मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर लोकेश रोहिणी के साथ बाहर जाता है और फिर दोनों साथ में खूब घूमते हैं। रोहिणी को घुमाने ले जाता और दोनों खूब एंजॉय करते। वहीं लोकेश अब मोनी से दूर और रोहिणी की तरफ खींचा चला जा रहा था। बहू, ये तेरी बहन कब तक है यहाँ? हमको तो उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ ऐसा कुछ नहीं है, जीजा साली है तो बस साथ में थोड़ा मस्ती कर रहे हैं।
कुछ दिनों के लिए आई है तो थोड़ा घूम ले जैसा तुम्हें ठीक लगे। वही रात में सबके सोने के बाद लोकेश उठकर हॉल में चला जाता है जहाँ रोहिणी बैठी होती है और फिर वहीं उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। मोनी चोरी चुपके ये सब देख रही होती है, फिर वहीं कमरे में जाकर झांकती है जहाँ लोकेश और रोहिणी रोमांस कर रहे होते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे पसंद करते हो तो मैं ही आपसे शादी कर लेती। मैं तो तुम्हारी बहन से शादी करके फंस गया हूँ। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन मुझे धोखा देगी। और तुम्हें तो मैं इसके जाने के बाद देखती हूँ। जिसके बाद मोनी रोहिणी का सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और उसे घर से निकाल देती है। दी चिल, हमारे फॉरेन में ये कॉमन है। ये इंडिया है, लंदन नहीं। चल भाग यहाँ से। सोनिया की शादी को 2 साल हो गए थे और वो अपने पति के साथ खुशनुमा शादीशुदा जीवन का आनंद ले रही होती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। जरा ठीला होता है, वो खूबसूरत औरतों को देखकर पिघल जाता है, जिस कारण सोनिया हमेशा रमेश पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है, रमेश ऑफिस जा रहा होता है कि तभी पड़ोसन घर आती है। सोनिया कहाँ हो? अरे भाभी जी कैसे हो? अरे यहाँ कैसे आना हुआ? येलो साड़ी में तो कमाल लग रही हो भाभी जी। हैं? जी थैंक्स। तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? तभी रमेश ऑफिस चला जाता है। वही सोनिया रोजाना रमेश के ऑफिस से आते ही उसका फोन चेक किया करती थी। अरे सोनिया तुम ये रोजाना क्या फोन चेक किया करती हो मेरा? इतना भी कैसा शक? तुम्हारी हरकतें ही वैसी हैं। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। इस तरह सोनिया हमेशा रमेश पर शक किया करती। वही रमेश को भी किसी चीज का डर नहीं था क्योंकि उसने कभी सोनिया को चीट ही नहीं किया। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और सोनिया गर्भवती हो जाती है। सोनिया अब तुम काम मत किया करो। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो कौन काम करेगा? अरे हम कोई काम वाली रख लेते हैं ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम करने के कारण हमारे बच्चे की हेल्थ पर कोई भी बुरा असर पड़े। लेकिन सोनिया काम वाली के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो घर का सारा काम अकेले ही किया करती थी। लेकिन ज्यादा काम करने के कारण एक दिन सोनिया की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए ध्यान रहे कि ये कोई काम ना करें, इन्हें आराम करने को दें, वरना इनकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो सकती है। कुछ देर के बाद, देखा मैंने कहा था ना कि काम वाली रख लेते हैं। वही रमेश के खूब डांटने के बाद सोनिया काम वाली के लिए मान जाती है और मोहिनी करके एक 30 वर्षीय महिला उनके घर पर काम करने आती है। मोहिनी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। तुम आज से ही काम ज्वाइन कर लो। लेकिन पहले पुलिस वेरिफिकेशन तो करवा लो। अरे देखो इन सब में बहुत टाइम लग जाएगा और मोहिनी अच्छा काम करती है। मैंने इसके काम का रिव्यू पढ़ा है सोनिया, ये एक काम वाली इन्फ्लुएंसर भी है। इस तरह रमेश मोहिनी की खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है और उसे काम पर रख लेता है। वही मजबूरन सोनिया भी कुछ कह नहीं पाती है। दूसरी तरफ रमेश का खिंचाव काम वाली की तरफ बढ़ जाता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है मोहिनी से रमेश को प्यार होने लगता है। सोनिया सब नोटिस करती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वहीं रमेश ने मोहिनी की तनख्वाह भी डबल कर दी। अब मोहिनी घर में कोई भी काम ढंग से नहीं करती। वहीं आए दिन घर की चीजें गायब होने लगती है। फिर एक दिन, हाँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रमेश और मोहिनी जल्दी से सोनिया के पास आते हैं। क्या हुआ? आजी बहुत दर्द हो रहा है पेट में। मोहिनी ये लो घर की चाबियां, घर का तुम ख्याल रखना, मैं जल्दी से आता हूँ।
तभी रमेश जल्दी से सोनिया को हॉस्पिटल ले जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं आधे रास्ते पर, रमेश मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, चलो वापस घर चलो। लेकिन अभी तो तुम्हें बहुत पेन हो रहा था, क्या हुआ? हाँ हाँ हो रहा था, बट अब वापस चलो, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों घर वापस जाते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वहीं मोहिनी घर का सारा कीमती सामान बटोर कर एक पोटली बना रही होती है। मेम साहब, आप तो हॉस्पिटल गई थी ना? वो मैंने नाटक किया था ताकि तुम्हारा सच रमेश के सामने आ सके। साहब मैंने कुछ नहीं किया। वही सच दोनों के सामने था। देखा रमेश, इसलिए कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे पहले ही इस पे शक था। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर मोहिनी को गिरफ्तार करवा देते हैं। वही रमेश को अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो सोनिया, अब से मैं तुम्हारे सिवा किसी और औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। इसके बाद सोनिया भी रमेश को माफ कर देती है। वहीं कुछ महीनों के बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है और दोनों खुशी से रहने लगते हैं।